İnşallah. हमारी नसीहत अपने नौजवानों के लिए एक जैसी है, नेपाल का शाही बनो, नेपाल के मर्द मोमिन बनो, वो मोमिन और मोमिनात बनो जो अल्लाह के दीन के लिए जिंदा और उसी के लिए अपनी जान कुर्बान करने की जरूरत रखते हैं। लेकिन माँ की जिम्मेदारी, बहनों और बेटियों की जिम्मेदारी एक हद तक बढ़ सकते हैं, इसलिए कि उनकी गोदों में असर पड़ती है। हम इन बच्चों से कहते हैं कि अपने आप को इसलिए तैयार करो कि तुमने आगे आने वाले उम्मत रसूल की नस्ल तैयार कर ली। एक नस्ल तैयार करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत तरकीब होती है, लेकिन एक सफर बहुत मुख्तसर हो जाता है अगर उस कौम की बेटियां अपनी जिम्मेदारी उठा लें। मर्दों में बच्चियां बता दें मर्दों में लड़कियां कुर्बानियां भी हों, लेकिन आज तक मुसलमान मिलत और मुसलमान कौम में कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत की आबरू की हिफाजत न करना चाहे। और अगर माँ कहते हैं बेटियां उसको गैरत का खाना दें, उसके बाद कोई मुसलमान गैरत का मुजाहरा नहीं करता। हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत हमारे माशरे में, हमारे दिलों में, हमारे दीन में जिस तरह है, जिस तरह हम एहतराम करते हैं, उसका तकाजा भी है कि उनकी जिम्मेदारी मर्दों से भी ज्यादा है कि आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले वक्तों में जो कुर्बानियां देनी पड़ेगी हमारी बहनों बेटियों को देनी पड़ेगी, हमारी माँ को देनी पड़ेगी, उसके लिए हमें सलाम भी करते हैं, उसके लिए उनसे दरखास्त भी करते हैं कि तैयारी करें। आइंदा आने वाली नस्लें आपका इंतजार कर रही है। आप बैठे बैठे सवाल किया बच्चे ने कि क्या जमहूरियत के रास्ते शरीयत नाफिज हो सकती है? देखो बच्चे, शरीयत को नाफिज करना सियासी निजाम का काम नहीं, उन लोगों का काम है कि जो सियासी निजाम के जरिए हुकूमत और इख्तियार और ताकत तैयार। पाकिस्तान ने 63 साल जमहूरियत और डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का तमाशा देख लिया। न डिक्टेटरशिप ने डिलीवर किया, न जमहूरियत ने डिलीवर किया, दोनों एक दूसरे को ताने देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों निजामों के नीचे जो कुफर का असल निजाम है, जो कुफर का इकोनॉमिक सिस्टम था, सूद और रिबा का निजाम, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे जंग किया है, जिसके साथ डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप, सूद और रिबा का निजाम वैसे ही कायम रहा। अदली और जुडिशरी का निजाम जिसमें 30-30 साल गुजर जाते हैं, लोगों के मुकदमात के मसले हल नहीं होते, जुल्म सितम का तूफान जो मुल्क में बचा हुआ है वो इसलिए कि मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं। आज पाकिस्तान में दो सबसे बड़े इश्यूज है जिसने पाकिस्तानी कौम को उनकी कमर को रोके रखती है, एक दहशतगर्दी, दूसरी खयानत, करप्शन। और पिछले 10 साल के अरसे में अदालती निजाम के जरिए ना तो किसी दहशतगर्द को सजाए मौत दी गई, ना किसी करप्ट को सजाए मौत दी गई। जुडिशरी भी कोलैप्स कर चुकी है इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इकोनॉमिक सिस्टम तो है ही सूद पे बना हुआ। आप मुझे बताओ ये खिलाफ के रास्ता का निजाम सिस्टम के जरिए कैसे ना होगा? विल हैव टू ब्रिंग द चेंज, लेकिन वो चेंज वायलेंट नहीं चाहते। अगर वायलेंस किया, फसाद किया, रेवोल्यूशन पर काट किया, खिलाफ पूरे से भी इस मुल्क को चोट लगेगी, दुश्मन के चारों तरफ से मुंह खोल कर बैठे इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। जो पॉजिटिव तरीका, जो बेहतर तरीका है कि लोगों के दिलो दिमाग में, लोगों के वजूद में, रूह में इंकलाब, एक रूहानी इंकलाब पैदा करें कि वो खुद तलब करें ये कौम कि हम अपने ऊपर चाहते हैं कि अल्लाह का दीन नाफिज किया जाए। ये पैगाम सिर्फ नौजवानों में नहीं जा रहा, इस पाकिस्तान के कोने कोने में चप्पे चप्पे में साहब इख्तियार और इख्तियार लोगों के पास भी यह पैगाम पहुंच रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि हमारा हर आने वाला दौर पिछले दौर से बेहतर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पे हौसला और उम्मीद रखो, अपने आप को मजबूत करो, अल्लाह को परेशान नहीं करें। हम कश्मीर के